सब्सक्राइब कीजिए न्यूज हिंदी टीवी इस चैनल को और साथ हमें बेल आइकॉन को भी दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। 1500 साल पुरानी इस मूर्ति का हुआ सिटी स्कैन, सामने आई ऐसी सच्चाई जिसे जानकर हर कोई है हैरान। पृथ्वी पर आज भी ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अब जब विज्ञान हर दिन नए आयाम को छू रहा है, ऐसी चीजें सामने आ रही है जिसके बारे में जानकर यकीन कर पाना भी मुश्किल दिखता है। विज्ञान की मदद से देश और दुनिया में आए दिन रहस्यमयी जगहों पर खुदाई की जा रही है और इनके रहस्यों से पर्दा हटाया जा रहा है जिसे जान कभी कभी तो सन रह जाते हैं। ऐसे में आज आपको एक एक बौद्ध भिक्षु के बारे में ऐसी ही सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसके बारे में हैरान करने वाले दावे किए जा रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि बौद्ध धर्म के अनुयायी भारत समेत दुनिया के अन्य कई देशों में भी है। एशिया के कई देशों में बौद्ध धर्म से जुड़े लोग रहते हैं, जिनमें से खासकर चीन, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों में इनकी संख्या अधिक है। लिहाजा इन जगहों पर बौद्ध धर्म से जुड़ी ऐसी चीजें मिलती रही है जो रहस्यों से भरी है। ऐसी ही एक मूर्ति की तस्वीर इन दिनों वायरल हो रही है जिसको लेकर दावा किया जाता है कि यह करीब 1500 साल पुरानी है। बताया जाता है कि इस मूर्ति की खोज नीदरलैंड के वैज्ञानिकों किया है, जिनका मानना है कि यह मूर्ति अन्य मूर्तियों से काफी अलग है। वहीं जब इस मूर्ति की सच्चाई जानने के लिए वैज्ञानिकों ने सीटी स्कैन कराने का फैसला लिया, जिसके बाद जांच के दौरान जो सच्चाई सामने आई उसने वैज्ञानिकों को भी हैरत में डाल दिया। बताया जाता है कि सीटी स्कैन में ऐसा पता चला कि इस मूर्ति के अंदर एक मम्मी थी जो ध्यान में बैठी है। वहीं इस बीच एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई कि ये बौद्ध भिक्षु अपने आप को जमीन के अंदर डाल देते थे और सांस लेने के लिए बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। आपको बता दें कि ऐसी रहस्यमयी घटनाओं पहली बार उजागर नहीं हो रही है, बल्कि इससे पहले भी वैज्ञानिकों ने विज्ञान की मदद से कई गड़े मुर्दे उखाड़े हैं और इसके तह तक पहुंच कई इसकी सच्चाई दुनिया के सामने उजागर किया है।